थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी। यह थ्योरी फिजिक्स के कुछ बहुत ही कठिन सवालों के जवाब देने के लिए विख्यात है। लेकिन अगर आप आइंस्टीन के द्वारा लिखे गए इस थ्योरी के ओरिजिनल पेपर को देखेंगे तो बिना किसी कठिनाई के आप इस थ्योरी को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत कठिन मैथमेटिक्स यूज नहीं की गई है। अल्बर्ट आइंस्टीन किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए सबसे सरल तरीके का इस्तेमाल करते थे। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो पहले किसी चीज को इमेजिन करते थे और फिर अपने ब्रेन के अंदर ही उस चीज का एक्सपेरिमेंट करके एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते थे, जिसके आधार पर वो किसी थ्योरी को प्रूव करने में जुट जाते थे। आइंस्टीन ने इस थ्योरी के माध्यम से साबित किया कि फिजिक्स के नियम हर जगह पर सेम है, बस डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आपके सामने से एक ट्रेन गुजर रही है। इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना के अनुसार आप देख सकते हैं कि जितनी तेज ट्रेन की स्पीड है, उतनी ही तेजी से उस ट्रेन में बैठे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी संभावना के अनुसार अगर उसी ट्रेन में बैठा एक इंसान दूसरे व्यक्ति को देखता है तो उसके हिसाब से वह व्यक्ति स्थिर है, यानी कि उसकी स्पीड जीरो है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि ट्रेन की स्पीड किस व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन के आधार पर कैलकुलेट की जाए, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के या फिर ट्रेन में बैठे व्यक्ति के आधार पर। तो इसका जवाब है कि दोनों अपनी जगह पर सही है। किसी चीज की स्पीड इस पर निर्भर करती है कि उसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी कि इस ट्रेन की स्पीड हम जिस व्यक्ति के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्थिर है या फिर मोशन में है। इससे यह साबित होता है कि स्पीड सापेक्ष यानी कि रिलेटिव है। इस सिद्धांत को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। हम सब ने अपने स्कूल टाइम में न्यूटन के द्वारा दिए गए 3 लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा है, जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र किया गया है। न्यूटन का मानना था कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की स्पीड रिलेटिव है, लेकिन 19वीं सदी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक ने साबित किया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज भी मौजूद है जिसकी स्पीड रिलेटिव नहीं है, यानी कि इसे ना तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है और ना ही इसकी स्पीड किसी मीडियम पर डिपेंड करती है, और ये है स्पीड ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने की वजह से लाइट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए आज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लाइट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता। ये एक ऐसा सवाल है जिसने आइंस्टीन को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आखिरकार आइंस्टीन ने इसका जवाब ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि किसी चीज की स्पीड उसकी डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि लाइट के केस में सिर्फ डिस्टेंस और टाइम में ही बदलाव हो रहा है। आइंस्टीन ने कहा कि प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देती और लाइट की स्पीड उन्हीं लॉज में से एक है। प्रकृति लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम में ही बदलाव कर देती है। यहीं से स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया और बहुत ही कम समय में यह कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फेमस हो गया। इस कॉन्सेप्ट ने वैज्ञानिकों के सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और यहीं से टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से जानेंगे। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दो भाग में दुनिया के सामने रखा था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सन 1905 में और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सन 1915 में दिया गया था। इस थ्योरी में एक फॉर्मूला दिया गया है जो अपने आप में किसी महान खोज से कम नहीं, और यह फॉर्मूला है E=mc². आइए इसे समझते हैं। E=mc² का मतलब है कि किसी चीज की एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हमने अपने सूर्य को ध्यान से देखा तो हमने पाया कि इसका मास लगातार घट रहा है, और इसका कारण है इसमें हो रहा न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हो रही है, यानी कि यहाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह अगर आपके पास कोई बैटरी है
तो उस बैटरी को जब आप फुल चार्ज कर देंगे तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि यह चार्ज्ड और डिस्चार्ज बैटरी के मास के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। आइंस्टीन के इसी फॉर्मूले के आधार पर परमाणु बम का निर्माण हुआ, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम का उपयोग किया गया तो आइंस्टीन को अपनी खोज पर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि परमाणु बम को उपयोग करने की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी में जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसीलिए आइंस्टीन का मानना था कि उनकी खोज का गलत उपयोग किया गया है। आगे चलकर आइंस्टीन ने न्यूटन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को चैलेंज किया और एक नई थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को दुनिया के सामने रखा। आने वाले एपिसोड्स में हम इस थ्योरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।